भारत ने दुनिया को एक से एक क्रिकेटर दिए हैं। कुछ ने विश्व में अपना नाम बनाया तो वहीं सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज को तो गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। हालांकि कुछ का करियर लंबा नहीं चल पाया और ऐसा ही एक खिलाड़ी है जो मैं दो टेस्ट मैच ही खेल सका। भारत ने इस दुनिया को कई बेहतरीन क्रिकेटर दिए हैं, किसी ने बल्ले से तो किसी ने गेंद से अपना कमाल दिखाया। इस खेल को चाहने वालों की संख्या भी भारत में बहुत ज्यादा है। क्रिकेट की जैसे पूजा ही की जाती है, यही वजह है कि कई क्रिकेटरों को उनके चाहने वाले भगवान तक का दर्जा देते हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ियों का करियर लंबा नहीं चल पाता। ऐसा ही एक पेसर है जो महज दो टेस्ट मैच ही खेल सका और अब ये आलम है कि सेलेक्टर्स भी उसे पूछ तक नहीं रहे। जिस पेसर का जिक्र किया जा रहा है वो अपनी धारदार गेंदबाजी और गति के लिए मशहूर है। एक वक्त ऐसा था कि उसे तीनों फॉर्मेट में मौके मिल रहे थे, हालांकि चोट और फिर से लगातार टीम से बाहर रहने के चलते करियर पर ब्रेक सा लग गया। ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि नवदीप सैनी है। घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलने वाले नवदीप सैनी ने साल 2019 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। 30 साल के नवदीप सैनी ने 2019 में T20 के जरिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। उसी साल दिसंबर में उन्होंने वनडे डेब्यू भी कर लिया। टेस्ट फॉर्मेट में खेलने के लिए उन्हें 2 साल का वक्त लगा। वो 2021 में ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर अपना पहला टेस्ट मैच खेले। हालांकि इस लंबे फॉर्मेट में वो केवल 2 ही मैच अभी तक खेल पाए हैं। वो आखिरी मैच 2 साल पहले श्रीलंका के खिलाफ खेले, जिसमें टीम इंडिया की कमान शिखर धवन संभाल रहे थे। नवदीप सैनी अपने अभी तक के करियर में केवल 2 टेस्ट मैच ही खेल पाए, जिनमें उन्होंने 4 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 8 वनडे और 11 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले। वनडे में उन्होंने 6 जबकि T20 में 13 विकेट लिए। वो आखिरी बार जुलाई 2021 में भारतीय टीम की जर्सी में नजर आए थे। हाल में उन्होंने इंडिया ए के लिए खेलते हुए बांग्लादेश ए के खिलाफ 2 पारियों में 2 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने बल्ले से कमाल दिखाते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा था। क्या आप भी चाहते हैं नवदीप सैनी को इंडियन टीम में मौका मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।